नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और मैं इस पर हर रहा कि लगातार अपडेट लेके आ रहा हूँ। इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है और IRP की स्टेज 0 में चल रही है। IRP यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जब कंपनी IRP की स्टेज में होती है तो आपको पता होना चाहिए, जब 0 में होती तब तो रेगुलर ट्रेडिंग होती है, और जब IRP की स्टेज 1 में आ जाता है तो यहाँ पर मंडे केवल ट्रेडिंग देखने को मिलती है और लोअर सर्किट देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी टाइम तक IRP की स्टेज 1 में था और अभी थोड़े दिन पहले ही IRP की स्टेज 0 में आया है, और यहाँ पर अभी फिर से इसकी संभावना है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पहला अपर सर्किट देखने को मिला है और यहाँ फिर से संभावना है कि यहाँ पर फिर से आपको ये ट्रेडिंग बंद होते हुए दिखेगी। तो कब ये दिखेगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं उस पर हम लोग, क्योंकि 1.53 रुपये तक ये जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले ही 7-8 जून को बहुत सारे शेयर्स यानी लगभग 47 लाख शेयर्स उठाए हैं किसी ने, और वो अभी फ़िलहाल वो भी फंसा हुआ है, तो वो अपने शेयर्स निकालने के लिए यहाँ तक ज़रूर लेके जाएगा वो ऑपरेटर जो भी है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो नए लोग हैं उनको यहीं आगाह कर दूँ कि भैया इस तरह के स्टॉक जहाँ पर IRP आपको लिखा दिख जाए तो समझ जाइए कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है और वहाँ पर अपनी एंट्री बनाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप लगाना ही चाहते हैं कि नहीं हम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उतना ही पैसा लगाइए जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइज, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा शेयर स्मॉल में BAZZ कैपिटल में। यहाँ पर कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, नहीं मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आज फादर्स डे है तो आप सभी को शुभकामनाएं फादर्स डे के दिन पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप होल्डिंग्स में नज़र डालेंगे तो आपको केवल यहाँ पर 3 पब्लिक दिख रहा है मामला, यहाँ पर ये और इनके पास लगभग 1.83 करोड़ शेयर है, इनके पास 1.71 करोड़, इनके पास 66 लाख के करीब शेयर्स हैं, लगभग 3% हिस्सेदारी है, 2.7% और 1.1% हिस्सेदारी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉप गेन फिनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ही है, इसने यहाँ पर परचेज़ किया है 7 जून को और 1.52 रुपये पर 47 लाख शेयर उठाएँ। बाकी ये सब जो हैं ये सब तो निकल चुके हैं बेच के। देखिए यहाँ पर लगभग 3.48 रुपये पर बेचा है, 3.45 रुपये पर, 2.44 रुपये पर। तो यहाँ पर गए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाई साहब हैं ये यहाँ तक तो लेके जाएंगे ही, ठीक है। और अभी आपने शुक्रवार को देखा है कि यहाँ पर अच्छा खासा आप देख पाइए, देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 93 लाख शेयर उठाए गए 100% डिलीवरी के साथ। तो जिसने भी उठाए, अभी फिलहाल यहाँ पर कोई अपडेट तो नहीं है ये किसने उठाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टुकड़ों में उठाए गए हैं, क्योंकि 1% से ज़्यादा जब मामला होता है तभी यहाँ पर दिखाता है। तो अभी फिलहाल मांग के चलिए अच्छे खासे शेयर उठाए गए और ये अभी थोड़े दिन तक अपर सर्किट पे कंटिन्यू रह सकता है। रिटर्न की बात करेंगे तो गाइस नए लोगों के लिए मैं ज़रूर लेके आता हूँ कि आप देखिए कि किसी भी फॉर्मेट में इसने पॉजिटिव में रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर 6-7 दिन अपर सर्किट लगेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव में रिटर्न देखने को मिल जाएंगे वीकली बेसिस पे, लेकिन उसके बाद फिर से ये IRP की स्टेज 1 में आ जाएगा और फिर से ये और नेमू गिर जाएगा। 1 वीक एवरेज देखिए 39 लाख शेयर्स, और यस्टरडे यानी कि बृहस्पतिवार का मामला है 27 लाख शेयर्स उठाए गए हैं। तो अच्छा खासा शेयर उठाए गए हैं गाइस पिछले 2-3-4 दिनों में, और यहाँ से आप देखिए लगातार ये देखिए IRP की स्टेज 1 वाला मामला है, ठीक है, और लोअर सर्किट लग रहे थे। यहाँ से जैसे ही IRP की स्टेज 1 में से बाहर आया, 2-3 दिन और वो शेयर लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद अपर सर्किट लगा और फिर धड़ाम। तो यहाँ पर इस अपर सर्किट का मतलब ये नहीं कि अब ये भागी जाएगा और ऊपर चलता चला जाएगा, क्योंकि IRP चल रही है इसकी, है ना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है इसका चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लेवल है ना ये वाला, यहाँ पर क्या कहते हैं मांगे चलिए 1.53 रुपये पर जो उन्होंने भाई साहब ने शेयर उठाए टॉप गेन ने, तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है लेके आएंगे और यहाँ से फिर उनको निकालने की कोशिश करी जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे गाइस, नए लोग तो बिल्कुल इससे दूर रहें, किसी भी तरीके की एंट्री बनाने की मेरी कोई सलाह नहीं है। बाकी आप बनाना चाहें तो उतना ही पैसा लगाइए जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, और जिन्होंने ऊपर ले रखा गाइस एवरेज करने की गलती तो कतई मत करिएगा। चलिए आशा करता हूँ गाइस सभी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। RSI की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फिलहाल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ गाइस कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोज़ प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।